हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे फ्लैट कॉलर विद वी प्लेकेट के साथ डिज़ाइन करेंगे और उसमें बटन भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपनी कुर्ती की कटिंग की है। तीरा मैंने लिया है यहाँ पे 7.5 इंच और बैक पोर्शन को मैंने 1 इंच एक्सटेंड करके लिया है ऊपर की तरफ। देखिए, मैंने 1 इंच एक्सटेंड किया है इसको और बैक नेक की डीप मैंने 1 इंच रखी है और 3.25 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और फ्रंट नेक की चौड़ाई 3 इंचेस है और इसकी लंबाई यहाँ पे 4 इंचेस है। यानी 3x4 का बॉक्स बनाया और उसमें हल्की सी गोलाई दे दी। तो ऐसे करके ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे हम नीचे की तरफ वी कट देंगे। तो यहाँ पे जितनी आपको लंबाई रखनी है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दें। देखिए, 7.5 इंचेस तक मैंने यहाँ पे वी कट दिया है और वी कट की चौड़ाई यहाँ पे 1/2 इंच है। इसको पहले कट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम पेपर पेस्टिंग को इसके ऊपर प्रेस के साथ अच्छे से चिपका लेंगे। तो ऐसे हम कुर्ती को खोल के रखेंगे और बिल्कुल इसके सेंटर में यहाँ पे ऐसे पेस्टिंग को रखेंगे और चिपका देंगे। चिपकाने के बाद देखिए, मैंने इसको सीधा करके रखा है, अंदर की तरफ मैंने पेपर पेस्टिंग चिपका दी है। अब हम यहाँ पे वी कट का निशान लगाएंगे और इसको कट करेंगे। तो गाइज, अगर आपको कुर्ती की कटिंग करनी नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं वो भी बता दूंगी। और वी शेप की ऊपर से चौड़ाई हम 1 इंच रखेंगे, ऐसे करके यहाँ पे एक वी शेप बनाएंगे और उसको हम कट कर देंगे। गाइज, अगर आप ऐसे पेस्टिंग को चिपका के वी शेप को कट करेंगे तो फिनिशिंग ज़्यादा आएगी, क्योंकि नीचे की तरफ पेस्टिंग चिपक जाती है। इसलिए ऐसे करके हमने अपनी वी शेप को कट कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे एक कपड़ा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कपड़ा लिया है और कपड़े को ऐसे नीचे की तरफ रखेंगे। नीचे की तरफ रखने के बाद कपड़े को थोड़ा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखें और यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा दें। सिलाई हमारी हो गई है, ऐसे अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे और सेंटर में कट देंगे और इसको उल्टी तरफ हम फोल्ड करेंगे। ध्यान दें, जो पट्टी हमने ली है इसको सिंगल फोल्ड जरूर कर लें। और यहाँ पे देखिए, मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद हम बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। बारीक सिलाई लगानी है, बड़ी सिलाई नहीं लगानी है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे करके हम एक बारीक सिलाई लगाएंगे और साइड में कम से कम 1 इंच का गैप रख के हम एक सिलाई और लगाएंगे ताकि जो अंदर का कपड़ा है वो बाहर की तरफ दिखाई ना दे। तो ऐसे करके हम यहाँ पे एक सिलाई और लगा देंगे। उसके बाद गाइस, ये जो मेरा कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हम अपनी कुर्ती को सीधा रखेंगे और यहाँ पे मैंने अपनी कुर्ती के साइड से एक लेस को कट किया है, उसको हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे 12 इंच की लेंथ तक मैं यहाँ पे अपनी पट्टी को स्टिच करूँगी, ऐसे निशान लगा लें। और मैं यहाँ पे अपनी लेस लूँगी। तो इस लेस को मैंने साइड से कट करके और दोनों तरफ से अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है। देखिए, जो मार्जिन था मेरा अंदर की तरफ, मैंने उसको अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और इसको इक्वली प्रेस कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, अपनी इस लेस को यहाँ पे ऐसे स्टिच करेंगे। इसको वी शेप में हमें स्टिच करना है। बिल्कुल जो हमारी लेस है उसको कम से कम 1 या 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा करके रखें ताकि जब हम अपनी लेस को कट करें तो वो इजीली गोलाई में कट हो सके, जैसे हमारे नेक की कटिंग है। तो इसलिए आप लेस को 1 या 1.5 इंच ऊपर की तरफ ज़रूर रखें। और उसके बाद ऐसे ही दूसरी तरफ भी मैं अपनी लेस को यहाँ पर स्टिच कर दूँगी। और ये देखिए, ऊपर तक मैंने अपनी लेस को स्टिच कर दिया है। उसके बाद हम अपनी लेस के बिल्कुल बाहरी तरफ किनारे के ऊपर सिलाई लगा देंगे। पूरी सिलाई को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम हमारी जो लेस ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा है, जैसे कि मैंने बताया था, तो अब हम इसको गोलाई में कट कर देंगे। इसको एक्स्ट्रा ज़रूर रखें ऊपर की तरफ। और उसके बाद हम अपने शोल्डर्स को स्टिच करेंगे। तो देखिए, फ्रंट और बैक के शोल्डर को ऐसे इक्वली करके रखना है और इसको स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद गाइस, हम अपने कॉलर का मेज़रमेंट लेंगे यहाँ पे। और देखिए, अपनी कुर्ती को ऐसे फ्रंट से इक्वल करके पकड़ेंगे और बैक इसको ऐसे रखेंगे। अब हम अपने कॉलर का मेज़रमेंट रख लेना है। हम अपनी कुर्ती को खींचना नहीं है, ऐसे इंची टेप को राउंड में घुमाना है और चेक करना है। देखिए, हमारा जो कॉलर है 8.2 इंचेस का आया है। तो यहाँ पे हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और
गाइस यहाँ पे जब हमारा कॉलर एक्स्ट्रा कटिंग हो जाता है तो उसको मैनेज कैसे करते हैं आज हम वो भी यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके रखा है, चौड़ाई 5 इंचेस है और लेंथ जो है वो 8 इंचेस है। डबल फोल्ड करने के बाद उसके बाद देखिए बैक नेक की जो चौड़ाई थी वो 3 इंचेस थी, तो हम 3 इंचेस पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर ऐसे इसको सीधा कर देंगे। जो कॉलर की चौड़ाई है वो 1 इंच लेंगे हम, और 1 इंच लेने के बाद यहाँ पे देखिए आगे हमें 4 इंच का एक बॉक्स बनाना है, क्योंकि फ्रंट जो नेक की गोलाई दी थी हमने वो 4 इंच का बॉक्स बना के दी थी, तो ऐसे हमने 4 इंच बनाया और उसके बाद यहाँ पे ऐसे इसको गोलाई दे दी। उसके बाद जो मेरा बंद पोर्शन है वहाँ से हमें कॉलर का मेज़रमेंट लेना है यहाँ से, तो 8.2 यहाँ पे देखिए ऐसे इंची टेप को रखेंगे और राउंड शेप में ऐसे घुमाएंगे। तो गाइस 8.2 से हल्का सा हमें एक्स्ट्रा लेना है, ये देखिए 2 से 3 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं, ये मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा लिए ताकि जब आपका कॉलर यहाँ पे बड़ा हो जाता है तो उसको मैनेज कैसे करना है। मैं इक्वली करके भी इसको स्टिच कर सकती हूँ लेकिन मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, तो जहाँ पे मैंने निशान लगाए हैं अब मैं इस कॉलर को कट कर दूँगी। और कट करने के बाद इसको हम एक कपड़े के ऊपर प्रेस के साथ पेस्ट कर देंगे। तो देखिए गाइस ये कॉलर में जो आपको प्रॉब्लम आती है वो सब सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको चिपका दिया है, चिपकाने के बाद हम क्या करेंगे इसके किनारे को हम एंड तक स्टिच कर देंगे। एंड तक स्टिच करने के बाद हम सेम साइज़ का एक कपड़ा और लेंगे देखिए मैंने इसको कॉलर को एंड तक स्टिच कर दिया है। उसके बाद सेम साइज़ का एक कपड़ा और लेंगे और इसको यहाँ से कट करेंगे। दूसरी साइड से भी हमने कट कर दिया है 1/2 इंच का मार्जिन रख के। सेम साइज़ का एक कपड़ा और लिया है और ध्यान दें जहाँ से मैंने कपड़े को फोल्ड किया है वहाँ नीचे की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन रहना चाहिए। तो गाइस कॉलर को हमें आगे से बंद नहीं करना है, यहाँ से बंद नहीं करना है, इसको ऐसे सीधा सिलाई लेके जाना है। आगे से हम इसको सीधा स्टिच करेंगे और दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही सीधा स्टिच करना है। इसको हमने सीधा स्टिच क्यों किया है गाइस ये हम बाद में सीखेंगे। और ऐसे ही हम अंदर की तरफ पूरी राउंड शेप में इसको कट करेंगे और कट करने के बाद यहाँ पे 1/2 इंच का हम अंदर की तरफ कट देंगे। ऐसे करके छोटे छोटे हम यहाँ पे कट दे देंगे और इसको प्रेस के साथ अच्छे से फोल्ड करेंगे। देखिए इसको प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेंगे। बिठाने के बाद नीचे की तरफ हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखना है और इसको एक्स्ट्रा कपड़े को भी हमें कट कर देना है। तो ऐसे करके हम 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और उसके बाद हम अपने कॉलर का सेंटर करेंगे और सेंटर में एक कट देंगे। उसके बाद गाइस हम अपनी कुर्ती का बैक पोर्शन लेंगे, लेकिन कुर्ती को हमें उल्टा करके रखना है और बैक पोर्शन में सेंटर में कट देना है। तो देखिए कट मैंने पहले से ही लगा के रखा है, कुर्ती को ध्यान दें उल्टा ही रखना है और यहाँ पे जिस कॉर्नर पे हमने कट दिया है उस कॉर्नर के साथ इसको मिलाना है। गाइस अगर आप सिलाई के साथ इसको मैनेज नहीं कर पाते तो पिन का यूज़ करें सबसे पहले, और ये जो सिलाई है इसको ऐसे ऐसे करके हमें स्टिच करना है। दोनों सिलाई का फेस एक तरफ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बिगनर्स के लिए स्पेशल है ये, तो सबसे पहले पिन लग का यूज़ कर लें। इससे क्या होगा गाइस कि आपका कॉलर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा। तो मैं एंड तक इसको देखिए पिन के साथ स्टिच कर लूँगी और स्टिच करने के बाद दिखाऊंगी कि जो कॉलर हमने आगे की तरफ एक्स्ट्रा लिया था वो थोड़ा सा ये देखिए आगे की तरफ एक्स्ट्रा है। इसको हम बाद में मैनेज करेंगे और इसको कैसे आगे से बंद करना है वो भी हम बाद में देखेंगे। तो इसको हमने देखिए एक साइड से स्टिच कर दिया है, उसके बाद हमें दूसरी तरफ से भी स्टिच करना है। देखिए आगे की तरफ एक्स्ट्रा हो रहा है हमारा कपड़ा, इसको बाद में करेंगे सेट और ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी इसको स्टिच कर देंगे एंड तक हमें स्टिच करना है। तो देखिए दोनों तरफ से मैंने इसको एंड तक स्टिच कर दिया है। उसके बाद हम देखिए अपने कॉलर को किनारे से ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो गाइस देखिए आगे तक जहाँ तक हमें अपने कॉलर को बंद करना है बिल्कुल वहाँ तक हम सिलाई को लेके जाएंगे। तो क्या होगा कि आगे से हमारा जो कॉलर है यहाँ तक देखिए छोटा या बड़ा नहीं होगा, यहाँ तक हमें स्टिच करना है। ऐसे सीधा स्टिच करते जाना है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आगे से हमारा कॉलर
स्टिच हो जाएगा। बिल्कुल किनारे तक हमें यहाँ पे स्टिच करना है और एक्स्ट्रा को हमें कट कर देना है। और उसके बाद देखिए मैं इसको सीधा करके दिखाऊंगी और ऐसे सुई के साथ इसकी नोक को निकाल देना है। उसके बाद देखिए गाइस कि ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये कॉर्नर बन गया। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ से भी इसको स्टिच कर देना है। बिल्कुल सीधी सिलाई अगर नहीं लग रही तो चौक के साथ इस पे निशान लगा लें और ये देखिए आगे तक इसको ऐसे स्टिच कर देना है। और ये हमारा कॉलर यहाँ पे फ्रंट से बंद हो गया और ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर यहाँ पे स्टिच हो गया। उसके बाद हम बिल्कुल इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस ये जो खुले वाला पोर्शन है ये देखिए स्टिच हो गया है। अब ये देखिए इसको यहाँ से बिल्कुल इसके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे और मार्जिन को अंदर स्टिच कर देंगे। उसके बाद गाइस हम मैं अपने कॉलर को स्टिच करके दिखाऊंगी और स्टिच करने के बाद इसके सेंटर में हम बटन्स का यूज़ करेंगे। और बटन बनाने के बाद गाइस मेरा यहाँ पे कॉलर कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद गाइस बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और गाइस नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।